हेलो गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू वेलकम बच्चों हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में ये क्लास थ्री है जिसमें क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं हम और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आज जो मैं करवा रहा हूँ तो क्वाड्रिलेटरल में जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं प्रैक्टिस में <laughs> तो लेट्स सी दीज क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर वन ये रहा बच्चों आपके सामने तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पढ़ लीजिए देखिए सवाल क्या कहता है क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी इज अजियम विद ए बी इज पैरेलल टू सी डी ए बी और सी डी लाइने पेवल दी हुई है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी दिस एडी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी ये ए बी पे परपेंडिकुलर है अब वो कहता है कि यहां पे ये परपेंडिकुलर है बेटा तो यहां से है तो यहां से भी होगी क्योंकि दोनों लाइनें पेवल हैं कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन तो शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाना चाहता हूँ देखो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि अगर दो पैवल लाइन्स हैं पहले तो ये बताओ दो पैवल अगर लाइन्स हैं और किसी एक लाइन को बच्चों में फिक्स कर दूँ तो दूसरी लाइन के साथ आई से अगर दो पैवल लाइन्स हैं तो दूसरी लाइन के साथ जो भी ट्रायंगल बनेगा यहां से जो भी ट्रैंगल्स बनेंगे कैन आई से दैट इन सभी ट्रैंगल्स का जो एरिया बनेगा ये ए वन है एरिया पूरा कंप्लीट ये ए टू है ये मान लो पूरा कंप्लीट ए थ्री है तो जो इनके एरिया बनेंगे बच्चों जो भी ये ट्रायंगल बन रहे हैं इनके एरिया क्या बनते हैं हमेशा एरिया सर हमेशा सेम बनते हैं क्यों सेम बनते हैं एरिया क्योंकि बेस सेम है और इन सब की हाइट भी सेम है जो ये ट्रैंगल आपने बनाई है इन सब का बेस सेम है और सबकी हाइट भी सेम है बेटा क्योंकि दो पैवल लाइन्स हैं अगर मैंने बोला ये एल और एम अगर दो पैवल लाइन्स हैं तो दो पैवल लाइन्स के केस में अगर बेस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो भी एरिया बनेंगे जो भी ट्रैएंगल बनेंगे उन सब के एरिया हमेशा इक्वल होते हैं अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं हम और सवाल को कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ये इस इस ट्रेपीजियम के अंदर क्या ये डीसी आप लाइन देख पा रहे हैं बच्चे कहते हैं बिल्कुल सर इस डीसी लाइन में बेटा यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रैंगल ये वाला ट्रैंगल डी बी सी यस सर क्या मैं बोल सकता हूँ जितना एरिया डी बी सी का बनेगा कैन वी से उतना ही एरिया एरिया ऑफ ट्रगल ए डी सी का बनेगा क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी सी शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी सी बताइए ये बात समझ में आनी चाहिए कैसे सर कैसे आप मुझे ये बताओ अगर डी सी बेस सेम है तो तो और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये डी सी बेस फिक्स है तो कैन आई से ये वाला ट्रेंगल या फिर ये वाला ट्रैंगल देख लो ये दोनों ही इसी इसी पैरेलल साइड के साथ तो ट्रेंगल बन रहे हैं ना दोनों का बेस सेम दोनों की हाइट सेम दोनों का बेस सेम दोनों की हाइट सेम तो एरिया भी सेम होगा एरिया भी सेम होगा और अगर इन दोनों का एरिया सेम है किस किस का इसका एरिया इस वाले ट्रायंगल का एरिया और मैंने कहा इस वाले ट्रैगल का एरिया इन दोनों ट्रैंगल्स का एरिया इक्वल है तो अगर इन दोनों ट्रैंगल्स का एरिया बच्चों इक्वल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इतना पोर्शन तो दोनों में कॉमन है ही है ये वाला पोर्शन डी ई -E सी पोर्शन तो दोनों में कॉमन है डी ई सी देख पा रहे हो डी ई सी ये पोर्शन तो दोनों में कॉमन है तो कहना इसे जितना ये है उतना ही ये हो जाना चाहिए बोलो सही है इतना ये समझ में आना चाहिए नहीं आया समझ में मैं दोबारा बता देता हूँ मान लो इसका एरिया एक्स वाई है बच्चों तो अगर मैं इसका एरिया एक्स बोल दूँ तो ये एक्स प्लस वाई होगा तो ये भी तो पूरा एक्स प्लस वाई होना चाहिए तो अगर ये वाई है तो ये एक्स ही होगा तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ना अगर ये कॉमन है कॉमन को हटा दिया जाए तो जो बाकी बच गया ये और ये ये दोनों इक्वल होंगे किस किस का एरिया ए डी ई ट्रैंगल का और बी ई सी ट्रैंगल का अगर इन दोनों के इक्वल हैं उन दोनों में से ये कॉमन वाला निकाल दिया जाए तो ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में बोलो ठीक है बस अब सवाल खत्म करने जा रहा हूं मैं एक लास्ट बात और करता हूं बस इसमें एक लास्ट बात और अब मुझे ये बताओ क्या ट्रायंगल ए ई e, बी को देख पा रहे हो आप ए बी e, ये सा ए बी क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों सिमिलर है ट्रैंगल कौन सी ई सी e, के डीईसी डी ई सी कौन सी है सर नीचे वाली नीचे वाली क्या ये दोनों ट्रैंगल सिमिलर हैं बच्चे कहते हैं कैसे सर भाई दो पैवल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल बच्चों और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ही है तो ये दोनों ट्र एंगल सिमिलर हैं अगर ये दोनों ट्र एंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों की साइड्स का रेशो क्या है वन इज टू टू नाइन इज टू एटीन तो जो साइड्स का रेशो है वही तो इनके अल्टीट्यूड्स का रेशो होगा ना नहीं आई बात समझ में भाई जो इनकी साइड्स का रेशो है वही तो इनके ओल्टीट्यूड्स का रेशो होगा ना बेटा साइड्स का रेशियो का रेशियो और कोस्पोंडिंग ऑल्टीट्यूड का रेशियो सेम होता है जब दो ट्रगल सिमिलर होती है बोलो ठीक है तो अगर साइड्स का रेशियो नाइन बायीन वन बाय टू है तो इनकी हाइट का रेशियो भी तो वन बाय टू होगा इनकी हाइट्स का रेशियो भी वन बाय टू होगा अब टोटल हाइट ट्वेल्व है टोटल अगर ट्वेल्व है तो ट्वेल्व को वन इंस टू टू में बांटो तो वन इंस टू टू में बांटूंगा अगर मैं तो तो क्या बनेगा बताओ मेरे को वन इंस टू टू में बांटोगे अगर तो वन प्लस टू कितना हो गया थ्री थ्री डिनोट कर रहा है ट्वेल्व को टोटल थ्री डिनोट कर रहा है ट्वेल्व को तो वन डिनोट कर रहा है किसको को फोर को तो ये वन डिनोट कर रहा है फोर को तो ये टू डिनोट किसको करेगा एट को इसका मतलब ये ऊपर वाली फोर होगी और ये नीचे वाली हाइट एट हो जाएगी बताइए इतना समझ में आया यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाए मैंने अब क्वेश्चन को हम सिर्फ एक लाइन लिखनी है और क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं मैं तो चाहूँगा कि आप भी अपने से एक बार ट्राई करें कुछ और मेथड बच्चो क्वेश्चन में और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि कुछ और इजी हो सकता है बट मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इजी से इजी मेथड बताने की क्वेश्चंस में अब ये एट हो चुका है हमारा ये एट हो चुका है बस अब आप ये बताओ हमें एरिया निकालना किसका है हमें एक्स निकालना है हमें एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन बताना है मतलब एक्स निकालना है तो ये एक्स है तो ये भी तो एक्स है तो अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान से सुनो एडीसी में से एडीसी दिखेगा आपको ये वाला अगर मैं इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकाल दूं डीईसी निकाल दूं डीईसी निकाल दूं बच्चों तो बच्चों इस पूरी ट्रायंगल में से आपने ये डीईसी निकाल दिया तो यही तो बचेगा ये एक्स ही तो बचेगा जो ये एक्स है यही तो बचेगा ये लिख दिया हमने ये एक्स ही तो बचेगा तो तो एक्सी हमें निकालना है क्योंकि एक्सी तो है ये ये एक्सी हो या ये एक्सो एक्स तो शेडिड पोर्शन है तो बस बताओ मेरे को ये और ट्रा का फॉर्मूला लगाओ इसमें क्या लगेगा हाफ इंटू बेस बेस कितना है एटीन इंटू हाइट हाइट है ट्वेल्व और इसका कैसे निकालोगे हाफ इंटू बेस बेस तो एटीन ही है लेकिन इसकी हाइट कितनी है इसकी हाइट एट है तो ये काटोगे तो यहां पे सिक्स आ जाएगा ये काटोगे तो यहां पे फोर आ जाएगा एटीन सिक्सा कितना हो गया एटीन सिक्सा हो गया आपका हंड्रेड एंड एट माइनस सेवनटी टू हो जाएगा तो आंसर शुड बी थर्टी सिक्स यही सवाल का आंसर है थर्टी सिक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन देखो फटाफट से बताता हूं, देखो समझ में आ जाएगी बात सबसे पहले डी बी सी ट्रेंगल और ए डी सी ट्रेंगल का एरिया सेम होगा क्यों क्योंकि बेस सेम है हाइट सेम है दोनों की दो पैवल लाइन्स केसेज में जो दो ट्रैंगल बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है तो हमने कहा अगर इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है तो ये वाई वाला तो कॉमन है तो ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा बोलो ये और ये इक्वल हो गए तो ये एक्स हो गया अब हमने कहा अगर ए ई बी डी ई सी के सिमिलर है तो दोनों की जो साइड्स का रेशो है वन इज टू टू वही इनकी हाइट्स का रेशो होगा तो हाइट्स भी वन इज टू टू के रेशो में होंगे तो ट्वेल्व को वन इज टू टू में बांटा तो ये फोर और ये एट आ गया फिर ये कंप्लीट ट्वेंगल में से डी ई सी ट्वेंगल का एरिया माइनस कर दिया बच्चों तो डी सी का माइनस कर दिया तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा यही निकालना था हमें चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आई होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और मजेदार सवाल ये था आपके सामने अब ये क्वेश्चन को कई बार बच्चे देखे तो बच्चे बहुत बहुत ही लेंथी तरीका अपना लेते हैं बच्चों कोई दिक्कत नहीं है करने में मैं तो चाहूँगा कि आप उससे भी कर लें लेकिन कर लें क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं इस केस दिए हुए हैं दोनों इसकी साइड सिक्स है इसकी एट है और हमसे एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन बताना है ये डायगनली इसको ज्वाइन कर दिया गया है और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया फिर इसको मिला दिया गया है इसका एरिया बताना है तो बच्चे कहते हैं सर ये कैसे निकालेंगे बच्चों बच्चों क्या करते हैं वो दोनों का एरिया निकालते हैं जनरली बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ इसका एरिया निकालेंगे इसका निकालेंगे ठीक है इसका कैसे निकालोगे इसका निकाल लेंगे वो ये तीन ट्रायंगल जो बन हुई है ना इन तीनों के एरिया निकाल लेंगे इसका एरिया निकल जाएगा इस कंप्लीट का एरिया निकल जाएगा फिर इसका भी निकाल लेंगे वो इसका भी निकल जाएगा कुछ कुछ करके आ जाएगा तो मेथड कोई बुरा नहीं है बेटा बट बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ इसमें तो मैंने ये एट दी हुई है साइड ये एट दे दिया है इस की इस स्क्र की साइड भी कई बार मिसिंग होती है बस ये सिक्स दी होती है ये दी भी नहीं होती यहाँ एक्स लिख दिया जाता है क्या लिख दिया जाता है सर एक्स लिख दिया जाता है हमें पता ही नहीं होती बच्चे कहते तब तो सर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो गया मुश्किल तो नहीं है तब भी हो जाएगा बेटा सवाल तो लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि सवाल में हमें कोई और नए मेथड की ज़रूरत है ऐसे ऐसे सवालों को करने के लिए आप ये बताओ अगर कोई स्क्वायर है उसको डायग्नली मिलाया जाए तो ये एंगल कितना बनता है ये फोर्टी फाइव डिग्री बनता है बताओ भाई डायग्नली मिलाओगे तो फोर्टी फाइव बनेगा और ऐसे ही अगर इसको डायग्नली मिलाओगे यहाँ से इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे डायग्नली मिलाऊंगा तो कहना ही ये भी तो एक स्क्वायर है ना तो ये भी फोर्टी फाइव बनेगा अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर ये दोनों एंगल 45 है बच्चों ये भी 45 है ये भी 45 है और ये कोस्पोंडिंग एंगल होते हैं तो अगर कोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो ये वाली साइड ये देखो जो ये ब्लू किया है मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों साइड पेवल हो जानी चाहिए भाई कोस्पोंडिंग एंगल तो इक्वल तभी आएंगे जब ये दोनों लाइनें पैवल होंगी यस सर और अगर ये दोनों साइडें पेवल हैं तो अब जगह ध्यान से सुनो इस साइड को बेस मना लो ये साइड बेस है एक ये बेस है ठीक है तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कि अगर एक साइड को बेस मान लें तो दूसरी साइड के साथ जो भी ट्रेंगल बनते हैं उनके एरिया इक्वल होते हैं तो कैन आई से दैट ये वाला ट्रेंगल बनता है दूसरी साइड के साथ यहां से इस कॉर्नर से यस सर और इसी लाइन के साथ ये वाला बेस भाई यहां से भी तो एक ट्रेंगल बनाता है ये वाला सर ये कैसे हो गया मेरी बात सुनो मैं इस पर नंबरिंग देता हूँ बेटा नाम देता हूँ मान लो ये ए है मान लो ये ए है ये बी है और ये सी है और ये डी पॉइंट है मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एरिया बनेगा ए बी सी ट्राइंगल का ए बी सी ट्वेंगल का ये वाला देखो ये बेस सेम है इसके साथ ये वाला ट्रेंगल बना ये बेस सेम है और ये इस लाइन के साथ यहाँ से भी तो एक ट्रेंगल बनता है ना ये वाला देखो ये बेस है इसके साथ ऐसे करके आपने ये ट्रेंगल बना दिया तो कहना ही से अगर अगर एक दो पैरल साइड्स में से एक साइड को फिक्स कर दिया जाए ए बी को फिक्स कर दिया जाए तो ए बी सी ट्वेंगल या ए बी के साथ ए बी डी ट्रैंगल इन दोनों का एरिया इक्वली तो होगा बेटा ये कैसे भाई बेस सेम हाइट सेम बेस सेम हाइट सेम हाइट कैसे सेम सर भाई दो पैरेलल लाइन है तो हाइट सेम ही होगी बेटा हमेशा दोनों का उतना ही होगा एबीडी का होगा एबीसी का एरिया उतना ही होगा जितना एबीडी का होगा और एबीडी का निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम नथिंग बट हाफ इंटू सिक्स और ये भी सिक्स होगी क्योंकि साइड की साइड है ये वाली तो एबीडी का एरिया हाफ इंटू सिक्स इंटू सिक्स तो आंसर कितना आना चाहिए इसका आंसर आना चाहिए सर एटीन

मतलब इतनी मेहनत कौन करे जब ये एक लाइन में आंसर आ सकता है तो तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों को आज आज थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन पे पे तीसरे सवाल पे चलते हैं बच्चों तीसरा ये आपके सामने तो मैंने थ्योरी पढ़ाते हुए आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी जिसका नाम था ब्रिटिश फ्लैगशिप थ्योरम मैं आपको याद दिला देता हूँ रेक्टेंगल में एक थ्योरम लगती है जिसका नाम है ब्रिटिश ब्रिटिश फ्लैगशिप थ्योरम क्या थ्योरम थी सर वो ब्रिटिश फ्लैगशिप थ्योरम ये थी बच्चों की अगर ये एक रेक्टेंगल है और बीच में कहीं भी कोई पॉइंट दिया हुआ है अगर मैं इसके चारों कॉर्नर्स को जोड़ दूँ कहीं भी कोई पॉइंट दिया हुआ है इनसाइड आउटसाइड कहीं भी दिया हुआ है ये मैंने बताया हुआ है ठीक है आप देख लेना तो यहाँ इनसाइड ले लेता हूँ तो कहीं भी अगर पी इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल ए बी सी डी तो अपोजिट वर्टेक्स से जो सम ऑफ स्क्वायर होता है इसका अपोजिट वर्टेक्स से जो सम ऑफ स्क्वायर होता है अपोजिट वर्टेक्स से जो सम ऑफ स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होता है अपोजिट वो हमेशा समय हमेशा। तो और ये एक्स का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या बन गया ये हंड्रेड प्लस इज इक्वल टू नाइन प्लस एक्सकेयर तो एक्सकेयर का वैल्यू बच्चों आपका आ जाएगा वन थर्टी सिक्स माइनस नाइन वन ट्वेंटी सेवन तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा अंडर वूट ऑफ वन तो ये सवाल का आंसर है कौन सा ऑप्शन है बी बॉम्बे टू और यही आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चों तो वेरी इजी क्वेश्चन आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों को चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अगला सवाल ये रहा आपके सामने तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ पेवलेलोग्राम एट विच सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर इंटरसेक्टर तो ए बी सी डी हमें एक पेवलेलोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी एक पेवलेलोग्राम दिया हुआ है ये भी अच्छे से समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ए बी सी डी हमें एक पेवलेलोग्राम दिया हुआ है कुछ ऐसे करके बना लेते हैं तो ए बी सी डी इज अ पेवलेलोग्राम ठीक है अब वो कहता है कि ए सी एंड बी डी दो डायगनल्स हैं ए सी एंड बी डी मैं चाहूँगा ये पोज करके आप ट्राई करें नहीं तो मेरे साथ देख लें और ये दोनों आपने दिखाया तो यहाँ पे दिखाया और इसके अलावा वो बोल रहा है बच्चों इंटरसेक्टेड हो ए सी इज ग्रेटर देन ए सी इज ग्रेटर देन बी डी ये क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज ग्रेटर देन बी बी डी बी ओ सी एंगल वन ट्वेंटी फाइव डिग्री है ए बी ओ ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल कौन सा नहीं हो सकता वो बताना है ऑप्शंस में से कौन सा नहीं हो सकता कौन सा नहीं हो सकता सबसे पहले ये बताओ भाई हमें पता है कि पैवलो है तो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो बाइसेक्ट करेंगे तो बेटा ये इसके इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा तो ए सी को क्या मैं ट्वाइस ऑफ ओए लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ए सी को ट्वाइस ऑफ ओए लिख सकते हैं तो ट्वाइस ऑफ ओए शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ बी डी बी डी को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ओ बी ये सर

अब अब जरा ध्यान से सुनो तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगल्स का सम इसका और इसका सम 125 होना चाहिए इन दोनों का 125 होना चाहिए अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होता है नहीं अगर ये दोनों आपस में इक्वल होती तो क्या मैं बोल सकता हूँ 125 का आधा बेटा 62.5 ये बनता 62.5 ये बनता बताओ सर कैसे 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 अगर दो साइड इक्वल होती मैं कह रहा हूँ अभी तो ओ ए ग्रेटर देन ओ बी है अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होता तो दोनों आधे आधे होते ना भाई अगर दो साइड इक्वल तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल तो दोनों सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव सिक्सटी फाइव टू पॉइंट फाइव होते लेकिन 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 अभी ओ ए बड़ी है तो जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होना चाहिए आप सोच के देखो भाई जितनी बड़ी साइड होगी वो एंगल उतना खुल जाएगा तो अगर ओ ए बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी तो बड़ा होना चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो उसके सामने वाला एंगल है OA के सामने वाला एंगल है एंगल ए बी ओ ये वाला एंगल भाई सिक्सटी ध्यान से सुनो सिक्सटी टू पॉइंट फाइव होता अगर ये दोनों साइडें इक्वल होती लेकिन ओए बड़ी है ओ बी से तो ओए बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होना चाहिए मतलब ए बी ओ एंगल जो है हमें नहीं पता कितना है लेकिन 62.5 से तो पक्का ज़्यादा ही आएगा सर क्यों क्योंकि भाई 62.5 तो तब होता ना जब दोनों इक्वल होते अब तो ये बड़ा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए मतलब इससे बड़ा होगा सिक्सटी से पक्का बड़ा होगा तो कैन आई से आंसर वो होगा कौन सा आंसर नहीं हो सकता कैन नॉट बी कौन सा एंगल नहीं हो सकता तो हमने कहा आंसर वो होगा जो 62.5 से छोटा है 62.5 से बड़ा तो हर वैल्यू पॉसिबल है लेकिन उससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो हमने कहा ये 63, 64, 65 तो पॉसिबल है 62 कभी भी पॉसिबल नहीं है तो जो नहीं हो सकता वो आंसर होगा तो बच्चों कौन सा नहीं हो सकता आप कहेंगे सर सिक्सटी डिग्री नहीं हो सकता यही सवाल का आंसर है दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो बच्चों आई होप सो ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया बच्चों को एक बार आप दोबारा रिवाइज करिएगा सभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ मैं ठीक है एग्जाम रिलेटेड करवाता हूँ जैसे भी क्वेश्चंस आप कैट में एक्सपेक्ट करते हैं एम बी एंट्रेंस एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं बस यही मैं चाहता हूँ आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच बाय टू ऑल ऑफ यू